जाइगेंटमैक्स गैंगर। यस गाइस, 31 अक्टूबर से हमें मिलने वाला है जाइगेंटमैक्स गैंगर का बैटल। तो गाइस देखो, जाइगेंटमैक्स, चारिज़ार्ड, वेनोसॉर एंड ब्लास्टोइस के टाइम में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ मिस्टेक किया, दैट्स व्हाई उन लोगों को वो पोकेमॉन नहीं मिला है। एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि भाई ये पोकेमॉन्स, मतलब ये तीनों पोकेमॉन्स क्या फिर से रिटर्न आएगा? तो मैं उन लोगों को बता देता हूं, यस फिर से रिटर्न आएगा, तो आप लोग फिर से गेट कर पाओगे। लेकिन गाइस आज हम लोग बात करेंगे जाइगेंटमैक्स गैंगर के बारे में, कि जाइगेंटमैक्स गैंगर के लिए अभी आप लोग एक मिस्टेक नहीं कर सकते हो। जाइगेंटमैक्स गैंगर के लिए आपको क्या-क्या प्रिपरेशन लेना है, तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो पब्लिक, कैसे हो, स्वागत है पोकेमॉन के एक नए वीडियो में। तो गाइस एक चीज बता दो, आप लोगों को बहुत फनी लगेगा भाई, पोकेमॉन गो को पता चल चुका है ये जो जाइगेंटमैक्स रेड हुआ था, तीनों रेड मतलब जाइगेंटमैक्स, चारिज़ार्ड, वेनोसॉर एंड ब्लास्टोइस के टाइम में बहुत ज्यादा ही डिफिकल्टीज था। 40 प्लेयर जाने के बाद भी जाइगेंटमैक्स पोकेमॉन डिफीट नहीं हो रहा था, बट गाइस पोकेमॉन गो वालों ने हम लोगों की बात सुन लिया है, तो अभी क्या होगा, जाइगेंटमैक्स गैंगर के टाइम में डिफिकल्टी कम होगा। यस गाइस, जो प्रीवियस जाइगेंटमैक्स बैटल था उससे बहुत कम डिफिकल्टी होने वाला है, जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही गुड न्यूज है। अभी हम लोग आसानी से जाइगेंटमैक्स बैटल कर सकते हैं, मतलब जाइगेंटमैक्स गैंगर का कर सकते हैं, उसके बाद जितना भी जाइगेंटमैक्स बैटल आएगा वो थोड़ा सा डिफिकल्टी कम होगा। ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा गुड न्यूज है, एंड मेरे लिए तो भाई, मैं तो नूब प्लेयर हूं, मेरे लिए तो होगा ही। ओके, और एक चीज बातचीत कर लेते हैं, क्या शाइनी अवेलेबल रहेगा? यस, शाइनी भी अवेलेबल रहेगा। और एक सबसे खतरनाक बात क्या है पता है, जो वीडियो को अभी देख रहे हो ना, लाइक कर दो, ये सुनने के बाद और भी आप लोग लाइक करने का मन करेगा। भाई जाइगेंटमैक्स पोकेमॉन को डिफीट करने के बाद, मतलब जाइगेंटमैक्स गैंगर को डिफीट करने के बाद आपको 25K मतलब 25,000 स्टारडस्ट मिलने वाला है भाई। और अगर स्टार पीस यूज कर दोगे तो कितना मिलेगा, 25,000 स्टार्स आपको एक जाइगेंटमैक्स डिफीट करने के बाद मिलने वाला है। एंड उसके साथ साथ जाइगेंटमैक्स पोकेमॉन का जो कैच रेट है, कैच करने का रेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जाइगेंटमैक्स पोकेमॉन भाग गया था, तो इस बार वो भी इंक्रीज हो चुका है, कैच रेट भी इंक्रीज हो चुका है। तो अभी हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे कि भाई टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा डायनेमैक्स पोकेमॉन को गेट करना है, एंड अगर आपके पास ढेर सारा डायनेमैक्स है तो उसको अपग्रेड करो, समझ रहे हो, उसको अपग्रेड करो। लाइक अगर आपके पास जाइगेंटमैक्स चारिज़ार्ड है, भाई मेरा गला थोड़ा सा बैठ चुका है, ठीक है, जाइगेंटमैक्स चारिज़ार्ड, वेनोसॉर या ब्लास्टोइस है, तो उसको लेवल अप करो, उसका लेवल अप करो, उसका जो मूव्स है उसको अनलॉक करो, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ, आप लोग इजिली जाइगेंटमैक्स गैंगर को डिफीट कर पाओगे। तो गाइज यही था कुछ इन्फॉर्मेशन, तो अभी फिलहाल के लिए आपको यही करना है कि जो आपके पास डायनेमैक्स है या जाइगेंटमैक्स है उसको लेवल अप करो, जितना हो सके लेवल अप करो। एंड भाई कैच रेट इंक्रीज हो चुका है, डिफिकल्टी भी कम हो चुका है, तो आप लोग आसानी से जाइगेंटमैक्स गैंगर का बैटल कर सकते हो, जो 31 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, मिस बिल्कुल भी मत करना। एंड या मेरा लाइव स्ट्रीम तो आता ही रहेगा। तो चलो गाइज यही था इन्फॉर्मेशन, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अगर आपको फ्यूचर में और भी पाना है, क्योंकि जाइगेंटमैक्स बैटल तो और भी आएगा ना, तो कहां पर क्या मिलेगा ऐसा वीडियोज अगर और भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइज बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें प्रेस जरूर कर देना, साथ साथ में वीडियो में लाइक, जाइगेंटमैक्स गैंगर लवर के लाइक हम रखते हैं हम लोग 800 लाइक्स, अगर कंप्लीट करोगे ना शाइनी जाइगेंटमैक्स गैंगर मिलने का चांस ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। 800 लाइक्स कंप्लीट कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, लव यू गाइस।